लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। अपने आप को मार देंगे, कहा कि हम अपने आप को मार देंगे, कहा कि हम क्या कर दिए। समझ नहीं आ रहा, रानी को अंदर भेज के हमने ठीक किया या नहीं छोड़ेंगे तुझे रानी, नहीं छोड़ेंगे। कहीं रानी को फिर से दौरा तो नहीं पड़ गया, कहीं अपने आप को फिर से ना मार ले। हम मार डालेंगे रानी को, मार डालेंगे अपने आप को। रानी हमारे पास से खुफिया कमरे की चाबी हमसे लेके भाग गई, जान से मार देंगे। ए, क्या कह रही रानी? छोड़ी पागलपन रानी, छोड़ी बोतल को। नहीं नहीं, मार डालेंगे रानी को, मार डालेंगे। रानी के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह तक पहुंचाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मार डालेंगे, छोड़। अच्छा अच्छा, हमका एक बात बता। हाँ, तू रानी को काहे मारना चाहती? हाँ, का की है रानी तेरे साथ, बता। रानी खूनी है, इतनी दोस्त की जान नहीं है वो, और जब तक हम इसे बदला नहीं लेंगे ना, हमको कोई शांति नहीं मिलेगा। छोड़ छोड़। ये तो हमने कहा था रानी को कि खूनी है, कहीं हमरे कहने की वजह से तो ये सब नहीं हो रहा। आज ही रानी नहीं बचेगी। रानी, 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 नहीं। सुन, हमारी बात सुन, तो रानी को मारना चाहती है ना? हाँ, हम है रानी, मार दे हमका और खत्म करे कहानी को। चल, तू रानी है? हाँ, हम है रानी। ए, ए, छोड़ेंगे नहीं तुझे, मार देंगे, मार देंगे, नहीं छोड़ेंगे तुझे। ये क्या कर रही है? छोड़, छोड़ हमको, झट, तुझे हो कहाँ गए? निमी, छोड़ देगो। ये तुमको मार देगी। ये हमको मारेगी तभी खुद को छोड़ेगी। निम्मे, हमने कहा ना छोड़ देगो। नहीं छोड़ेंगी तुझे, छोड़ो। नहीं छोड़ेंगे। तो जब तक रानी खुद को मार नहीं देगी, अपने पागलपन से बाहर नहीं आएगी। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे तुझे, मार देंगे रानी को। माफ खाए नहीं कर देती रानी को। नहीं करेंगे माफ, कहे कि वो अंधविश्वास में आके एक बेकसूर की जान ली। नहीं छोड़ेंगे। कौन बेकसूर? किसकी जान ली है? झुमकी, झुमकी कुमारी, और अब रानी मरेगी। छोड़ छोड़। तो ठीक है, मार दे रानी को, इंसाफ दिला अपने झुमकी को, ले ले बदला, ले। अच्छा किया, मार दिया तूने रानी को, दिला दिया इंसाफ झुमकी को, बहुत अच्छा किया तूने। मर गई रानी। हमको पता था जब तक तू रानी को मार नहीं देगी, तेरा पागलपन बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए कमरे में आते ही हमने ही सुरक्षा कवच ले लिया।
अपने आप को ना मार ले, इसलिए हमने खुद को रानी बना लिया ताकि तुझे लगे कि तू रानी को मार रही है, और अब रानी को मार के तुझे शांति मिल जाएगी। रानी, रानी को अभी तक होश नहीं आया। रानी ठीक तो है ना? उम्मीद तो यही है। उम्मीद? तुम्हें अभी भी उम्मीद लग रही है? मैं यकीन नहीं है कि रानी को होश आएगा या नहीं। पानी, पानी, पानी। ठीक है ना रानी? रो मत, सब ठीक हो जाएगा। एक और रोने देने में रो के एक अपराध बोध आंसुओं से बाहर आ जाएगा। जितना रोएगी इसके लिए उतना अच्छा है। कौन सा अपराध, कौन सा बोध? तुम कहाँ कह रहे हो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो तुम्हें पागलों की तरह मार रही थी, तुम मार खा रहे थे। का मार रही थी? आप किसको मार रहे थे और काहे? भुवन को। और ऐसा मार रही थी जिसे मार ही डालेगी। भुवन को? हम भुवन को काहे मारेंगे? झूठ काहे बोल रही हो? झूठ तो ये सब निशान ये सब हम दिए हैं। हम तुमको इतना मारे, तुम हमको रोकेगा ही नहीं। रोकना तो हमें खुद को चाहिए था, तुझे खूनी बोलने से। हम तो सिर्फ चोर हैं, तेरी तरह खूनी तो नहीं। बोले ना, खूनी नहीं है। वो जो भरी पंचायत में झुमकी का तू गला काट दी, तो खूनी कैसे नहीं हुई? हमें नहीं पता था रानी कि हमने कही बात तेरा अपराध बोध बन जाएगी। तेरा मन शांत था, इसलिए तुझे रह रह के दौरे आते थे। और उन दौरों के दौरान तू रानी को मारने के लिए पूरी हवेली में घूमती थी। मार देंगी रानी को। उन दौरों को ये घर में सब लोग पता है क्या कहते थे? कि तुझ पे कौन भूत प्रेत का साया है। बहु बना के लाए थे, तुम तो भूत बन के घूम रही हो। तू जब वो कमरे में गई थी ना, तो तू जानती है क्या हुआ था? तुझे फिर से दौरा पड़ा था, और तू अपने आप को मारने वाली थी। लेकिन हम बीच में आ गए और हमने खुद को रानी बना लिया, और हमको रानी समझ के तूने हम पे वार किया। नहीं छोड़ेंगे तुझे। तुमको इतनी चोट लगी वो भी अपनी वजह से। तुझे खूनी बोल के जो अपराध हम किए थे, उसकी सजा हमको मिल गई, और तू अपराध मुक्त हो गई। तू ये बता, अब तुझे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है गुरु, बोझ हट गया वो हमारे मन से, मन हल्का लग रहा है, मुक्त हो गए हम। बस अब खुद को अपराधी मत समझना। कैसे कि तू जो भी की ना, किसी के प्रभाव में आके की है, और जब हम किसी के प्रभाव में आके कुछ करते हैं ना, तो अपना सही गलत कुछ नहीं समझते। अब से कुछ भी करना,
अपने दिल की सुन के करना। शुक्रिया। ठीक है, सैया सैया जी मोर पिया जी, सैया सैया जी मोर पिया जी, कैसे निभाऊं तोरी प्रीत पिया जी, सैया सैया जी मोर पिया जी, कैसे निभाऊं तोरे प्रीत पिया जी, सैया सैया जी मोर पिया जी, सैया सैया जी। होली आराम से गिर जाओगी। कावेरी, हम जीत गए, हम कपड़े बदल के आते हैं। अम्मा, क्या हुआ भगवान? अम्मा, वो हमसे एक अपराध हुआ है। ऐसा अपराध? हम कुछ ऐसा कर दिए हैं कि जो आपने करने को मना किए थे। बात का गोल गोल ना ही घुमा भुवन, साफ साफ बता क्या बात है, क्या किए हो? क्या है ये सब? एक हाथ में हमारा अपराध है, दूसरे में हमारी सजा। आप जब हवेली से बाहर गए थे तो वो कमरे का दरवाजा खोल दिया। काहे तोड़ा? रानी को अपराध मुक्त करने के लिए। आपको खुद ही चल के देखना होगा। तस्वीर से धूल हटी हुई है। तस्वीर? रानी तस्वीर को देख ली है, उसने अपने बाबा को हमारे साथ देखा है। अब वो सवाल करेगी और हम कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। भुवन! तो का पता था वो कमरा में जाने का किसी को अनुमति ना ही है, फिर भी तू वहां गया। तो का पता था कि वो आदेश हमरा है, फिर भी तूने वो आदेश तोड़ा भुवन। अम्मा, एक बार हमारी बात नहीं, हमका कौन बात नहीं सुने का है, और तू जो कुछ बोलेगा भी तू का कोनो फायदा नहीं है। कहे कि घर के लोग ही अगर घर के ताले तोड़े
धक्की पे किया जाए। तूने बिटवा होके माँ का मान नहीं रखा, हम माँ होके तो फिर दया नहीं करेंगे, सजा देंगे हम। बस कीजिए अम्मा जी, बस कीजिए। हट, हट जा, छोड़ हमारा हाथ, हट जा हमारे रास्ते से। एक माँ और एक बेटे के बीच और एक तुमका कोनो हक नहीं है, हट। हक तो आप ही नहीं है अम्मा जी, हरी सिंदूर का हक, और हम सिर्फ अपने सिंदूर की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए आप हमारे पति को छोड़ दीजिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई अम्मा का हाथ पकड़ने की? तेरी इतनी हिम्मत? नहीं, इस हिम्मत का तो जवाब हम ही देंगे। तूने हमारा हाथ पकड़ा? आप भुवन को मार रही थी। तू बिटवा है हमरा। वो हमरा पति है। हमरा हक है उपे। हक हमरा भी है। वो हमारी मांग में हरा सिंदूर भरा है। पत्नी की मांग माँ के कोख से बड़ी नहीं हो सकत है। लेकिन पत्नी का हक माँ के हक से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। वो आपका बेटा बाद में है, हमारा पति पहले। पिछली बार प्रथा को बचाए खातिर आपके सामने आए थे, और ये बार अपने सुहाग को बचाए खातिर। ना ही बचा सकत, वो दोषी है और उसका सजा मिली है। ए? सजा देनी है तो हमको दीजिए अम्मा जी। कि ये हमारी गलती है, हम बोले थे भुवन को उतारा तोड़ने के लिए। वो हमको मना किया था, लेकिन हम रोए, गिड़गिड़ाए, उसके पैर पकड़े, उसे हमारा आंसू नहीं देखा गया, हमारा दर्द नहीं देखा गया, तो तोड़ दिया वो ताला। वो काहे ऐसा, कौन सा दर्द ले घूम रही है तू रानी? पछतावे का दर्द जो आप नहीं समझेंगी, और जिसने समझा उसने दर्द मिटाया। अम्मा जी ने इसको सजा काहे नहीं दिया? चुपचाप काहे चली गई? ये चुप नहीं, खामोश है।
और ये तूफान से पहले की खामोशी है। आज नहीं तो कल ही तूफान आएगा जरूर। क्या चल रहा है तेरे मन में? जिस सिंदूर को लगाने पे तू हमसे लड़ी थी, आज उसी सिंदूर के लिए तू अम्मा से लड़ गई।